कथावाचक मुरारी बापू पर 18 जून को गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में कथित तौर पर हमले की कोशिश हुई। बीजेपी के पूर्व विधायक पबुआ माणिक पर इसका आरोप है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मुरारी बापू मीडिया से बात कर रहे थे, तभी बीजेपी के पूर्व विधायक जो है उनकी तरफ तेजी से बढ़े। मुरारी बापू के दाहिनी ओर बैठी जामनगर की बीजेपी सांसद पूनम मैडम बीच में आ गई और उन्हें रोक लिया। अब पूर्व विधायक का क्या कहना है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व विधायक माणिक का कहना है कि मुरारी बापू ने कृष्ण और बलराम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस वजह से अहीर समाज में गुस्सा है। कहा जा रहा है कि माणिक नारे लगाते हुए कमरे में पहुंचे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने पूर्व विधायक को पीछे धकेला और उन्हें समझा कर दूर ले गए। हालांकि बाद में पूर्व विधायक ने कहा कि मैं बाबू से बस ये कहना चाहता था कि उन्होंने ऐसे शब्द क्यों कहे और कहां से उन्हें ये सब पता चला। जब तक मैं उनके पास जाता, उनके समर्थक ये सोचकर मुझे दूर ले गए कि मैं उन पर हमला करने आया हूँ। सीएम विजय रूपाणी ने घटना की निंदा की है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मुरारी बापू पर हमले की कोशिश की निंदा करते हुए कहा, भारत के गणमान्य संत पूज्य मुरारी बापू के साथ द्वारका में हुई घटना पर मैं दुख व्यक्त करता हूँ। आज भगवान द्वारकाधीश का दर्शन कर जब मुरारी बापू ने द्वारकाधीश और समग्र अहीर समाज से क्षमा मांग ली है, तब इस बात को लेकर उनके ऊपर हमले का प्रयास अशोभनीय है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। गुजरात से राज्यसभा सांसद कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा कि मैं मुरारी बापू पर हमले की निंदा करता हूँ। कोई किसी के विचार से असहमत हो सकता है, लेकिन हमारे समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अब किस बात पर बवाल मचा? पीटीआई के मुताबिक मुरारी बापू ने कथित तौर पर कहा था कि श्री कृष्ण अपनी ही जगह द्वारका में धर्म स्थापित करने में नाकाम रहे। कथित तौर पर उन्होंने बलराम को शराब से जोड़ा था। अब विवाद के बाद मुरारी बापू ने माफी मांगी थी। पबुभा माणिक कौन है? पबुभा माणिक द्वारका के पूर्व विधायक हैं। वो 1990 से लेकर अब तक 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2017 में उनके चुनाव को हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता मेरामन गोरिया की तरफ से चुनौती दी गई। आरोप लगा कि उन्होंने चुनाव में गलत जानकारी दी। हाईकोर्ट ने माणिक को डिस्क्वालिफाई कर दिया। माणिक ने कहा कि वो राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं। वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन 17 जून को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।